देखिए आज जो है हमारे पास में एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं हम, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक नहीं किया है, सिर्फ हम क्या निकालना देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख रहे हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद में पोटेंशियल सर्फेसिस के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में वर्ग्रहण पढ़ेंगे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो इन्फिनिटी से आ रहा है किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर, ठीक है, या फिर विदाउट फील्ड है वहाँ पे, तो वर्ग्रहण क्या होगा, एक पॉइंट चार्ज के कारण, दो चार्जेस के कारण, या तीन चार्ज, ये सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण वहाँ पे वर्ग्रहण या पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। ठीक है, अभी हम उससे पहले क्या निकालेंगे, पहले जो सिंपल क्वेश्चन है पोटेंशियल के हम वही निकालना देखते हैं, क्योंकि आपको ये निकालने आ जाएंगे फिर आगे बेटा दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए हम पहले सिंपल टू हार्ड की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ है क्वेश्चन भी है ये। ठीक है, बोर्ड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहे हैं, दो चार्जेज है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, जो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, जीरो जीरो माइनस ए एंड जीरो जीरो, इसका मतलब क्या है, कहाँ कोऑर्डिनेट की तरफ देखिए, कहाँ लाई कर रहा है, यानी ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यानी कहाँ पे है ये, जेड एक्सिस के अंदर ये लाई कर रहा है। तो देखो सबसे पहले हम पहले ही सिस्टम पढ़ते हैं, आपके पास में ये है, ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस, ये हमारी z एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, माइनस z एक्सिस, ये प्लस z एक्सिस, ये आपकी जो है इधर क्या है, x एक्सिस है। ठीक है, ये आपकी x एक्सिस, ये माइनस x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये माइनस। ठीक है, ये क्या है ओरिजिन, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आपके पास में चार्जेस जो है वो कहाँ रखे हुए हैं, माइनस q और प्लस q चार्जेस जो है वो जीरो जीरो माइनस है, जीरो जीरो माइनस यानी z एक्सिस, यहाँ पे हमारे पास में चार्ज है जो कितना है माइनस, और कोऑर्डिनेट्स इसके क्या है, जीरो जीरो माइनस। दूसरा चार्ज आपके पास यहाँ है, यहाँ कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, और कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके, जीरो जीरो। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास, आप ये जीरो जीरो इस तरह से आप मान लीजिए, सिर्फ आप ये देखिए कि आपके पास में क्या है, चार्जेस प्लेस किए हुए हैं। ठीक है, माइनस क्यू, यहाँ पे हमारे पास में ए चार्ज है, यहाँ पे हमारे पास बी चार्ज है। तो यहाँ पूछा है कि बताइए व्हाट इज द इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल, ये कोऑर्डिनेट यानी इसकी वैल्यू हम बताते हैं, जीरो जीरो माइनस ए, और ये कितना है, जीरो जीरो, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है। पूछा क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट जीरो जीरो जेड एंड एक्स वाई जीरो, यानी पहले हमें कहाँ निकालना है पोटेंशियल, जीरो जीरो जेड। तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट वी हैव टू डिटरमाइन पोटेंशियल एट पॉइंट जीरो जीरो जेड, जो जीरो जीरो जेड है ये कहाँ लाई कर रहा है, देखो पॉजिटिव जेड एक्सिस के अंदर, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये इधर आप इस तरह से जेड एक्सिस देखो, यहाँ पे कोई पॉइंट है, पी पॉइंट मान लिया मैंने, इसके कोऑर्डिनेट जीरो जीरो जेड ये दिए। तो हमें क्या करना है यहाँ से, कि कोई भी यूनिट चार्ज बोले जब कहाँ से इस पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है तो वर्ग्रहण क्या होगा। ठीक है, वर्ग्रहण की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वर्ग्रहण जो आएगा वो क्या आ जाएगा, बी इंटू में क्यू। ठीक है, या फिर आप ये कर सकते हैं, हमें ये निकालने जब नहीं आपको जो है पोटेंशियल निकालना आता है ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण, क्या पढ़ना पड़ा था, ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण बेटा पोटेंशियल क्या होता है, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस के ऊपर, चार्ज हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ निकालेंगे इस पी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालेंगे किसके कारण, ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज के कारण। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि वी वन यानी कि पोटेंशियल एट एट पॉइंट, इसको पी ले लिया, पॉइंट पी ले लिया, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स ये है, पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू, तो क्या आएगा बेटा, माइनस क्यू अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस देखो आपके पास में क्या होगी, यहाँ से देखिए, यहाँ से कहाँ गया, इस पॉइंट के ऊपर निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, जीरो यानी इस पॉइंट पे गया, ये इस पी पे पहुंचा, तो जीरो माइनस जीरो यानी वही जीरो, फिर यहाँ से जीरो माइनस जीरो करेंगे तो भी वही डिस्टेंस, और यहाँ से ये क्या आएगा, जेड माइनस, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, जेड माइनस माइनस ए, क्या वैल्यू आई, माइनस क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट जेड प्लस ए।
देखो हमें पोजीशन निकालनी आती है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है, तो ये क्या है बेटा, यहाँ से यहाँ पहुंचा है, तो फाइनल पोजीशन ये है। यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, 0 0 z, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यानी क्या है यहाँ पे भाई जेड के कैप लिखेंगे, और यहाँ पे आपके पास क्या है माइनस ए के कैप, तो आपको जो है आर टू ये है आर वन ये है, तो हम नेट पोजीशन निकालने के लिए क्या करते हैं, यानी आर इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन, आपके पास मैंने R2 जो है यानी R1 मैंने क्या बताया है किसके इक्वल है, R1 is equal to minus A k cap, यहाँ से आप देख रहे हैं, और R2 की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास में प्लस z k cap, तो R2 minus, तो R2 की वैल्यू क्या है z, और ये क्या है माइनस A k cap, तो वैल्यू कितनी आ गई z प्लस में A k cap लिख देंगे, और k cap का मतलब क्या है कि कौन सी डायरेक्शन में लाई कर रहा है ये z एक्सिस के अंदर, तो इसके लिए हम क्या लगा देते हैं ये आपके पास में z प्लस A, डायरेक्शन के लिए दिखाया है सिर्फ, तो इस तरह से आप क्या निकालेंगे कि इस चार्ज के कारण यहाँ पे P पॉइंट के ऊपर हमने क्या निकाला है, पोटेंशियल निकाला है, तो आपके पास ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल की वैल्यू ये आई है। सिमिलर हम किस चार्ज के कारण निकालेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण निकालेंगे, कहाँ पे निकालेंगे, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, यहाँ से याद है ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये क्या है इसकी फाइनल, यहाँ से कहाँ गया है P पॉइंट के ऊपर गया है, तो हमें क्या निकालना है P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालेंगे, तो उसको भी इसी तरह से निकालेंगे, तो देखिए पोटेंशियल ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, तो आपके पास में क्या आ जाएगा ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस देखिए यहाँ बेटा देखो कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके, 0 0 है, ये 0 0 है, तो ये तो 0 रहेंगे, और क्या मिलेगा z माइनस a मिलेगा आपको, z यानी r2 ये है, r1 क्या है a, तो r2 माइनस r1 यानी z माइनस a रहेगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे z माइनस a, आगे हमारे पास अब हमें निकालना कहाँ है P पॉइंट के ऊपर नेट पोटेंशियल, तो क्या आएगा ये फर्स्ट पोटेंशियल यानी फर्स्ट चार्ज नेगेटिव चार्ज के कारण जो चार्ज पोटेंशियल आया, और प्लस में पॉजिटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आया, तो ये वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से आप रख दीजिए वैल्यू, तो देखो कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा, ये वैल्यू माइनस की है ये वैल्यू प्लस की है, तो क्या लिख देंगे 1 अपॉन z माइनस a, प्लस की मैंने आगे ले ली, और ये क्या आ गया माइनस की है 1 अपॉन z माइनस a, ये z प्लस a है और ये z माइनस a, इसका अब हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे इसको, तो देखिए हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, डायग्राम मैं दोबारा बना दूंगी, मैं ध्यान से देखिए इसके अंदर, अभी क्या कर रहा है, नेट पोटेंशियल निकालना था उस P पॉइंट के ऊपर, तो क्या आ गया Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया बेटा a माइनस b, a प्लस b है ये, a माइनस b और a प्लस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या आ गई z प्लस a माइनस z माइनस a, तो ये वैल्यू क्या आई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z प्लस a माइनस z माइनस माइनस प्लस हो गए अपॉन में z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये आपके पास में क्या हो गया कैंसिल, और ये क्या बन गया q इनटू में 2a अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और यहाँ पे आपने देखा था आपके पास ये सिस्टम दिया होता है, ये माइनस q चार्ज था, ये प्लस q चार्ज था, ये 0 0 माइनस a के ऊपर रखा होता, ये कहाँ रखा होता 0 0 a के ऊपर, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी 2a डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, तो यानी क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे डाइपोल फॉर्म हुआ, ठीक है, जिसका डाइपोल मोमेंट क्या था p था, तो इसको q इनटू 2a हम क्या लिख सकते हैं, यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये हमारे पास में ये जो पॉइंट था p, इस p पॉइंट के ऊपर क्या निकाला हमने पोटेंशियल निकाला, पहला पार्ट हमारा यही था कि क्या पूछा है एट द पॉइंट 0 0 z के ऊपर हमने निकाली, अब हमें कहाँ निकालना है इस x y 0 के ऊपर, देखो ये 2d के अंदर लाई कर रहा है, तो 2d के अंदर ये कहाँ लाई करेगा, हमें क्या देखना है 2d के ऊपर देखना है प्लेन के अंदर, कि जब आपके पास में पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, उस केस में हमारे पास में पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, तो अभी सेकंड पॉइंट जो है इसी क्वेश्चन के अंदर यानी फर्स्ट पार्ट का ही जो है दूसरा पॉइंट दे रखा है एक्स वाई जीरो, इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर हमें क्या निकालना है पोटेंशियल की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, तो देखिए कैसे निकालेंगे इसके लिए, देखो अब हमें क्या निकालना है, अभी तो हमने निकाला था कहाँ पे निकाला था 0 0 जेड पॉइंट दिया होता है, इस पॉइंट के ऊपर यानी इस कोऑर्डिनेट के ऊपर हमने क्या निकाला था पोटेंशियल निकाला था बेटा, और हमें कहाँ निकालना है एक्स वाई जीरो, ठीक है, तो एक्स वाई जीरो कहाँ लाई करेगा, देखो डायग्राम पहले समझिए, डायग्राम में क्या है आपके पास मैंने क्या बताया था, ये इस तरह से मैंने एक्सिस ली,
जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, ये हमारी क्या है नेगेटिव जेड एक्सिस, ये हमारी पॉजिटिव एक्सिस, ये हमारी नेगेटिव एक्सिस, ठीक है, ये सॉरी वाई एक्सिस लिया था इधर, और ये नेगेटिव वाई, और ये आपके पॉजिटिव जेड एक्सिस, और ये नेगेटिव जेड एक्सिस। सबसे पहले देखो एक्स वाई जीरो, एक्स वाई प्लेन यानी कौन सा आपके पास में, ये वाला, ये वाई है, ये एक्स है, ठीक है। तो इस एक्स वाई प्लेन के अंदर क्या लाई कर रहा है, कोई एक पॉइंट है, क्या दे रहे थे कोऑर्डिनेट्स उसके, ये मान लो मैंने यहाँ दे दिया एक्स वाई जी, ठीक है। इस एक्स वाई यानी ये पॉइंट है, आपके पास यहाँ चार्ज क्या रखा हुआ था, माइनस क्यू, जो कहाँ पे रखा हुआ था, जीरो जीरो माइनस ए के पर, दूसरा चार्ज यहाँ रखा हुआ था प्लस क्यू, जो कहाँ पे, जीरो जीरो ए के पर। तो हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, आप सबसे पहले इसको इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए इस पी पॉइंट के ऊपर कैसे लेंगे, सबसे पहले हम किसके कारण, ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज के कारण निकालेंगे। तो नेगेटिव चार्ज के कारण कैसे निकालेंगे, तो देखिए आप क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एम पी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज या माइनस क्यू चार्ज, क्या आएगा बेटा आपके पास में, देखो माइनस क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन, डिस्टेंस देखिए यहाँ से आपके पास में, यहाँ क्या है, पहले ये डिस्टेंस निकालो, ये क्या है आपके पास में, आर वन इनिशियल पोजिशन चार्ज यहाँ था, अब फाइनल कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, आर टू माइनस आर वन लेते हैं, यानी आपके पास में किसके थ्रू गए, अब हमें ये नहीं देखा पता, ठीक है, आर वन आपके पास ओरिजिन से ये है और ये आर टू आपके पास ये है, तो हमें इनका निकालने के लिए आर टू माइनस आर वन, ये देखा आर टू माइनस आर वन, पोजिशन वेक्टर यही होती है शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, और इसका हमें क्या चाहिए मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम इस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले आर वन और आर टू लिखिए, आर वन की वैल्यू क्या है भैया आपके पास में, जीरो आई कैप प्लस में जीरो जे कैप माइनस ए के कैप, और आर टू कितना है आपके पास में, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस जीरो के कैप। निकालना क्या है हमें, पोजिशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में पोजिशन जो वेक्टर होती है वो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में होती है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहां से आप क्या करो आर टू माइनस आर वन, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ यानी पार्टिकल यहां से, चार्ज पार्टिकल यहां से यहां गया फिर यहां से यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बताते हैं पाथ के ऊपर क्या है, ये इंडिपेंडेंट रहता है, तो हमारे पास में हमने शॉर्टेस्ट पाथ यानी क्या ले लिया कि भाई इनिशियल कहां पे था फाइनल ये कहां पहुंचा है, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स है आपके पास में। तो ये क्या आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप माइनस जीरो के कैप, ये तो आर टू हो गया, माइनस जीरो आई कैप माइनस प्लस जीरो जे कैप माइनस ए के कैप। इसको सॉल्व करें तो देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, आर टू माइनस आर वन एक्स माइनस जीरो यानी एक्स, वाई माइनस जीरो वाई जे कैप, और जीरो माइनस यानी माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आएगा प्लस ए कैप, और इसका आप क्या लेंगे मैग्नीट्यूड, तो ये मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। दूसरा हम लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज के कारण, तो क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, वो डिस्टेंस कैसे निकलेगी यहां से यहां तक का आपके पास इस तरह की ली गई है, ये क्या था आपके पास में, यहाँ से यहाँ आपके पास में चार्ज पार्टिकल यहाँ से कहाँ पहुंच, पहले तो यहाँ गया और फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास में इन दोनों के बीच का ये क्या था आर वन था, ये क्या था आपके पास में आर टू, तो यहाँ फाइनल से यहाँ आ गया ये, ठीक है। तो ओरिजिन से डिस्टेंस ये आर टू दे रखी थी, ये आर वन दी हुई है, तो इनका आर टू माइनस आर वन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये देखा जब ये यहाँ से है, तो ये भी रिजल्ट क्या आएगा कोऑर्डिनेट्स वही जीरो जीरो है एक्स वाई जीरो। जब आप इसको सोल्व करेंगे यानी कि आपके पास में कहाँ फाइनली इस पॉइंट के ऊपर आया एक्स टू ये है एक्स वन ये है, तो यहाँ पे प्लस रहेगा तो रिजल्ट तो वही सेम रहेगा, तो यहाँ डिस्टेंस क्या आएगी वही आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेट पोटेंशियल निकालेंगे इस पी के ऊपर, तो आपके पास क्या आएगा, देखो ये माइनस की ये प्लस की डिस्टेंस सेम है, तो क्या हो जाएगा नेट पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि एक्स वाई जीरो, एक्स वाई जीरो पॉइंट्स के ऊपर यानी इस पॉइंट के ऊपर जो है आपके पास नेट पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। दूसरा आप ये भी बता सकते हैं कि हमारा क्या था डाइपोल था, डाइपोल के कहाँ लाइक
ठीक है, हमने कल देखा था इक्विटोरियल डाइपोल के इक्विटोरियल पॉइंट के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, हमेशा जीरो होती है। हमें कहाँ मिलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओनली एक्सएल लाइन के किसी भी पॉइंट के ऊपर हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। लेकिन जो है इक्विटोरियल लाइन के ऊपर पोटेंशियल बेटा हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हमने इसको दिखा दिया भाई किस तरह से जीरो हुआ। सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो है माइनस क्यू से और ये यहाँ पहुंचा है तो इस डिस्टेंस से निकाल दी। ठीक है, और जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचा है तो इनका डिस्प्लेसमेंट आपको ये देगा। ठीक है, आर वन आर टू कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे। ठीक है, तो ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। हमने दोनों पॉइंट्स के ऊपर कहाँ पे जीरो जीरो जेड और कहाँ दूसरा पॉइंट कौन सा है एक्स वाई जीरो के ऊपर पोटेंशियल निकाला है। अब थर्ड पॉइंट सेकेंड पॉइंट देखिए क्या बोल रहे हैं। देखिए बेटा सेकंड पार्ट है इसका, ऑब्टेन डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन द डिस्टेंस आर ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। यानी आपके पास में कोई भी एक पॉइंट है, ये आपके पास माइनस क्यू चार्ज था, ये आपके पास प्लस क्यू चार्ज था, ये कोऑर्डिनेट्स है इसके जीरो जीरो माइनस है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है इसके जीरो जीरो। ठीक है, ये हमारी कौन सी एक्सिस है जेड एक्सिस, ये हमारी कौन सी है नेगेटिव जेड एक्सिस, ये हमारे पास कौन सी एक्सिस है ये वाई, ये है नेगेटिव वाई और ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया। क्या पूछा है कि आपको एक डिपेंडेंस जो है पोटेंशियल के लिए एक डिपेंडेंस पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालना है डिस्टेंस के साथ वो किस तरह से वेरी कर रहा है। ठीक है, कि कोई भी पॉइंट है जो ओरिजिन से डिस्टेंस क्या ले रखी है आप, तो देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था इक्वेशन क्यू इंटू टू ए अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ जेड की जगह हमने क्या ले लिया आर, वो पॉइंट मान लो आर डिस्टेंस के ऊपर है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं q into 2a upon 4 pi epsilon naught r square minus a square। ठीक है, तो हमारे पास में क्या जाएगा, इसको मैं क्या लूँ कि r upon a की फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ से हम क्या करें इस a square को कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये आपके पास में क्या आएगा q into में 2a upon में 4 pi epsilon naught r square by a square minus 1 और यहाँ से हमारे पास में a square बाहर निकलेगा ये। ठीक है, तो देखिए आपके पास में हमने जेड या आर के को ले लिया था, मैं यहाँ से क्या लूँ अगर हमारे पास में पॉइंट ए पॉइंट लाइज इफ पॉइंट पी लाइज एट लार्ज डिस्टेंस। अगर ये पॉइंट आपके पास में लार्ज डिस्टेंस की पर लाई करता है यानी जे आर इज वेरी वेरी लार्जर देन ए, तो क्या हो जाएगा ये इतना ही छोटा बन जाएगा, नेग्लिजिबल होगा, तो हम ए स्क्वायर को क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास में पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, वी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए की जगह मैं पी लिख दूं डाइपोल फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो हमारे पास में पोटेंशियल की वैल्यू यानी क्या आ गया इस तरह से डिस्टेंस के साथ में क्या करा, इसने यही पूछा था कि आपके पास में जब आर क्या है यानी कि आर अपॉन ए इज वेरी वेरी लार्जर देन या फिर आपकी आर इज वेरी वेरी लार्जर देन, इसको क्या लिख सकते हैं एक, तो मैंने वही कंडीशंस लगा दी। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास में यानी जो पोटेंशियल है वो क्या करता है वन अपॉन आर स्क्वायर यानी बी जो देख रहे हैं वो क्या कर रहा है, इसको आप चाहे क्यू अपॉन टू ए की फॉर्म, क्योंकि डाइपोल की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि पोटेंशियल जो है वो क्या करेगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो एक बात तो देखिए हमने पीछे देखा था सिंगल पॉइंट चार्ज होता है उस केस में पोटेंशियल क्या करता है डिस्टेंस के साथ वन बाई आर। अब हमारे पास यहाँ क्या है दो चार्ज है माइनस क्यू प्लस क्यू यानी क्या करें टू ए डिस्टेंस के ऊपर प्लेस किया यानी क्या अपॉन क्या डाइपोल, डाइपोल का जो पोटेंशियल होता है वो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रहा है आर स्क्वायर के साथ। इसने ये पूछा है कि अगर आपके पास इस तरह का चार्ज होगा तो आपके पास में पोटेंशियल जो है आर के साथ कैसे डिपेंड करेगा, तो ये क्या करेगा डिपेंड्स ऑन वन बाई आर स्क्वायर के साथ में ये डिपेंड करेगा। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, देख लीजिए एक बार नोट कर लो इसको, कोई सब्जेक्ट हम देख लीजिए, इन क्वेश्चंस को आप खुद अपने आप से सॉल्व करके देखा होगा। ठीक है, वीडियो समझने के बाद अपने आप क्वेश्चंस आपके बुक में दुनिया भर के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके देखिए, कोर्स क्वेश्चंस हैं आपके पास में, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप इनको अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, क्योंकि फिजने वाला सब्जेक्ट है बेटा इसको आप क्रैम नहीं कर सकते। ठीक है, टॉपिक इसमें एक या दो नहीं है, इसमें टॉपिक जो है बहुत ज्यादा है, आप कितना क्रैम करेंगे। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग का सब्जेक्ट है, आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे।
देखो अभी बेटा हमें क्या निकालना है यहाँ पे कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट पी, यानी कोई भी एक टेस्ट चार्ज है पी से कहाँ पे क्यू पे गया है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो वर्क डन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वर्क डन हमने क्या पढ़ा है कि अमाउंट ऑफ द चार्ज इन टू में जो है पी से क्यू पे गया, तो क्यू माइनस वी पी, हमें क्या चाहिए इनका पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल, और फिर कहाँ निकालेंगे क्यू पे, तो ये पॉइंट पी ले रखा है, तो इस पॉइंट के ऊपर हम इसके कारण जो है पोटेंशियल देखेंगे, और फिर हम इस चार्ज के कारण देखेंगे, दोनों के कारण पोटेंशियल देखेंगे कहाँ पे, पी पॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहले आपके पास में क्या आ जाएगा, देखो माइनस क्यू अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन रो, इस चार्ज के कारण देखेंगे, तो ये क्या आ गया आपके फाइव है, तो ये बन गया फाइव माइनस जीरो का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा आपके पास में जीरो जीरो हो गया, और ये क्या बन गया माइनस का यानी प्लस ए स्क्वायर, और इसका ठीक है, तो और दूसरा आपके पास इस चार्ज के कारण निकालेंगे प्लस क्यू के कारण, तो ये क्या आ जाएगा बेटा प्लस में क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन, कहाँ से गया है ये पी से क्यू पे गया है ये। ठीक है, यानी पी पे पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज के कारण हमें इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना है, तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स क्या है फाइव जीरो जीरो, कोसाइन वही है, तो डिस्टेंस क्या रहेगी इसकी वही रहेगी, तो आपके पास फोर पाई एप्सिलॉन नॉट रूट फाइव माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस सेम है, चार्ज एक नेगेटिव एक पॉजिटिव पोटेंशियल पे क्या आ गया जीरो। सिमिलर हम कहाँ पे लेंगे, जब ये चार्ज पार्टिकल कहाँ पे पी से कहाँ गया क्यू के ऊपर, तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल देखेंगे और पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल, तो वो पहले देखेंगे, तो वी क्यू क्या आ जाएगा, यानी सबसे पहले नेगेटिव चार्ज के कारण माइनस क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन रो, कहाँ से कहाँ तक इस पॉइंट से यहाँ, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा माइनस सेवन माइनस जीरो, यानी क्या रहेगा माइनस सेवन ही रहेगा उसका स्क्वायर प्लस में जीरो का स्क्वायर प्लस में माइनस ए, यानी जीरो माइनस प्लस ए हो जाएगा ये, तो ये आपके पास में यानी क्या लिखेंगे नेगेटिव चार्ज के कारण माइनस सेवन माइनस जीरो प्लस में जीरो माइनस जीरो स्क्वायर प्लस में मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ले रही हूँ बेटा ये जीरो माइनस ए का स्क्वायर। सिमिलर हम क्या लेंगे प्लस क्यू के कारण लेंगे, तो वो भी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी वही सेम रिजल्ट आएगा इसके कारण क्योंकि डिस्टेंस कोऑर्डिनेट्स वही है, तो ये प्लस क्यू अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये भी क्या आ जाएगा माइनस फोर्टी नाइन प्लस ए स्क्वायर जो यहाँ पे, तो ये माइनस का ये प्लस का क्या हो गया दोनों कैंसिल, तो क्यू पॉइंट के ऊपर भी पोटेंशियल क्या है जीरो, तो यानी नेट पोटेंशियल दोनों पे क्या आ रही है वैल्यू जीरो आ रही है, तो यहाँ पे हम वर्क डन क्या बता देंगे कितना आ जाएगा जीरो। यही पूछा था अगर क्या है कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर पी पॉइंट से क्यू की तरफ गया है तो वर्क डन कितना हुआ है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज मूव्स फ्रॉम पी टू क्यू। ठीक है, वाया थ्रू ए पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट के थ्रू जब इस फाइनल पॉइंट के ऊपर पहुंचा है। ठीक है, तो वर्क डन हम कैसे बताते हैं कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, जो इसके पाथ के ऊपर इंडिपेंडेंट रहता है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के ऊपर क्या करता है ये डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से लंबा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि आपके पास कोऑर्डिनेट्स कहाँ से कहाँ तक पूछा है, तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि भाई हमारे पास में कौन सा पॉइंट दिया हुआ है और किस पॉइंट के ऊपर हमें पोटेंशियल निकालना है। देखिए बेटा आपके पास एनसीईआरटी क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन है, जो क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन, एक चार्ज है चार्ज एरे, चार्ज एरे का मतलब जिसमें क्या है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या है डाइपोल्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और जब इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जब क्या करते हैं दो डाइपोल्स अगर इक्वल एंड अपोजिट, यानी एक डाइपोल आपका कहाँ लाई कर रहा है इस साइड लाई कर रहा है, दूसरा डाइपोल इस साइड, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है ना, ये पी वन है ये पी टू है मान लो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्या है ये आपके पास में एक क्वाड्रेंट है। ठीक है, जैसे हम बताते हैं टू क्यू चार्ज पॉजिटिव है और माइनस टू क्यू चार्ज नेगेटिव, और इनको एट ए स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर प्लेस कर देते हैं, जैसे मैंने स्क्वायर के केस में भी आपको पहले बताया था, ये आपके पास जैसे मान लो ये क्या है प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, तो यहाँ पे डाइपोल कैसे बनेगा ऐसे जाएगी डायरेक्शन, यहाँ पे डाइपोल की डायरेक्शन कैसे जाएगी ऐसे जाएगी, ऐसे हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे डाइपोल कैसे आ रहा है ऐसे जा रहा है, इसमें डाइपोल कैसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, तो देख रहे हैं यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन है, तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है जब इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन डाइपोल लाई करते हैं तो क्या फॉर्म होता है एक क्वाड्रपल फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपके पास में एक जो है चार्ज एरे है। ठीक है, जिसके अंदर चार्ज एरे का मतलब डबल चार्जेस है, एक दो पॉजिटिव प्लस टू क्यू एंड माइनस टू क्यू,
ये चार्ज अरे बोल रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक क्वाड्रेंट पर फॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक क्वाड्रेंट पर फॉर्म करेंगे इससे। तो देखिए यानी नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है क्वाड्रेंट पर की तरह। तो यहाँ पे आपके पास में प्लस क्यू प्लस क्यू, इन दोनों चार्जेस के बीच में हमने माइनस टू क्यू प्लेस कर, तो एक माइनस क्यू के कारण यानी कि हम क्या लिखेंगे इसको माइनस क्यू माइनस क्यू। तो इसके कारण डाइपोल की डायरेक्शन ऐसे जाएगी और इसके कारण डाइपोल की डायरेक्शन कैसे जाएगी, इस साइड जाएगी, 92 फोर्स भी होती है इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल फॉर्म हो रहा है फोर ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द क्वाड्रपल। इसी क्वाड्रपल के ऊपर क्या है, कोई भी एक पॉइंट है इसकी एक्सिस के ऊपर, मान लो ये पॉइंट है। ठीक है, तो क्या पूछा है यहाँ पे कि ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन आर्क, कि जब इसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी दे रखी है, इसका सेंटर है क्वाड्रपल से और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या दी हुई है, आर गिवन है। तो क्या निकालना बेटा आपको, जो है डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल की, पोटेंशियल जो है डिस्टेंस के साथ में किस तरह से जो है डिपेंड कर रहा है, जब आर क्या है आपके पास में वेरी वेरी लार्जर देन ए, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और साथ में क्या पूछा है यहाँ पे कि कंट्रास्ट योर रिजल्ट विद व्हाट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक मोनोपोल, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक मोनोपोल और इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल के साथ में जो पोटेंशियल है वो किस तरह से यानी कि वैल्यू चेंज हो रही है। तो देखो हम देखेंगे, सबसे पहले आपके पास ये टोटल डिस्टेंस जो है ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी है बेटा, डिस्टेंस हमारे पास में देखो एक जो है डाइपोल होता है, डाइपोल के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी होती है, टू ए होती है। तो यहाँ से हमने ये डिस्टेंस क्या ले ली, ए डिस्टेंस ये ले ली, ए डिस्टेंस हमने ये ले ली। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पोटेंशियल वी वन ड्यू टू प्लस क्यू इस चार्ज की बात, तो क्या आ जाएगा ये आपके पास में पी पॉइंट के ऊपर, तो क्या आ जाएगा बेटा q अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस a माइनस क्यू के कारण, ये a पॉइंट है ये b पॉइंट है ये c पॉइंट है। तो मैंने यहाँ सबसे पहले लिखा कि जो है a के कारण, a पॉइंट के ऊपर जो कहाँ पे लाई कर रही है a, अब लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू माइनस q जो कहाँ लाई कर रहा है b पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस है ये, तो ये आगे बेटा माइनस क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहाँ दो चार्जेस है तो माइनस टू क्यू लिख सकती हूँ, दो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। ठीक है ना, दो चार्जेस के कारण हमने क्या लिख दिया इसको माइनस टू क्यू। अब थर्ड जो है सी पॉइंट के ऊपर, पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू सी के ऊपर, सी के ऊपर चार्ज क्या है प्लस क्यू, यानी पी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल किसके ऊपर जो है पी के ऊपर किसके कारण, ड्यू टू द सी पॉइंट के कारण, सी के ऊपर चार्ज क्या है पॉजिटिव, तो वो क्या आ जाएगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो, हमें यहाँ से डिस्टेंस है ये नहीं दे रखी, कहाँ से दे रखी सेंटर से, और ये हमें पता है किसके इक्वल है ए, तो हम क्या कर दे ये आर में से अगर ये सेपरेट कर दे तो क्या आ जाएगा सी पी आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं आर माइनस ए, तो नेट पोटेंशियल जो है पी के ऊपर तीनों को ऐड कर दो क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए माइनस टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस में क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा वी पी इज इक्वल, सबसे पहले आप क्या लो क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, एलसीएम ले आर प्लस ए और आर माइनस ए, तो ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और नीचे क्या बचेगा आर भी था ना ये, तो ये देखो क्या आ जाएगा इस साइड क्या आएगा आर इंटू आर माइनस ए, यहाँ क्या आएगा माइनस टू क्यू इंटू में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में ये आपके पास क्यू था बाहर निकल गया ये आर इंटू में आर माइनस ए कर दिया। तो बीपी क्या आ जाएगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस आर ए माइनस टू आर स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर प्लस आर ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में आर,
आर ए ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे देखिए आपके पास में टू आर स्क्वेयर में से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपके पास टू आर स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा आपके पास टू ए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, थ्री पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्यू इंटू में टू ए स्क्वेयर अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू आर। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके पास में कंडीशन दे रखी है आर इज ए पॉइंट कहाँ लाई करे एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस के ऊपर, अगर लार्ज डिस्टेंस के ऊपर लाई करेगा बेटा पॉइंट, तो डाइपोल हमारा क्या हो जाता है, उसके इसमें उतना ही शॉर्ट हो जाता है, या डाइपोल नहीं है क्या है क्वाड्रपल। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे जितना ज्यादा ये पॉइंट जितनी डिस्टेंस के ऊपर लाई करेगा जितनी लार्ज, तो आपका जो उनके बीच की डिस्टेंस है चार्जेस के बीच में उतनी ही स्मॉल हो जाती है, तो हम क्या कर देते हैं ए को नेगलेक्ट। तो पोटेंशियल जो है बी पॉइंट के ऊपर क्या आ जाएगा, क्यू इंटू टू ए स्क्वेयर अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर स्क्वेयर था एक बाहर है तो आर, ये पोटेंशियल आएगा। तो क्या देखा हमने, क्या रिजल्ट, यहाँ इसने पूछा है कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट जो है क्या कंक्लूजन निकालता है। देखो आपने क्या देखा, क्वाड्रपल है, क्वाड्रपल के केस में जो पोटेंशियल आता है वो क्या करता है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के। डाइपोल के केस में क्या होता है जिसमें दो चार्जेस थे, ठीक है, यहाँ पे आपने तीन चार्ज एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ इस तरह से रखा था। ठीक है, इस केस में डाइपोल के केस में दो चार्जेस, तो उसमें हमने क्या देखा वन बाई आर स्क्वायर, और मोनोपोल के केस में हमने क्या देखा एक सिंगल चार्ज होता है तो क्या करता है वन बाई आर। तो इस तरह से क्या करता है ये पोटेंशियल जो है पोजिशन के ऊपर क्या कर रहा है डिपेंडेंस कर रहा है। देखिए बेटा अभी क्वेश्चन है हमारे पास में, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है कि आपको अमाउंट ऑफ वर्क निकालना है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल पी से कहां गया है क्यू पॉइंट के ऊपर गया है। ठीक है, किसके थ्रू, थ्रू ए पॉइंट आर, यानी यहां से यूनिट चार्ज जो है वो कहां से इस पी पॉइंट से कहां पे क्यू पॉइंट के ऊपर आया, थ्रू ए पॉइंट आर। ठीक है, जहाँ पे वो यूनिट चार्ज बॉडी जो है यानी कि उसकी वैल्यू जो है यूनिट चार्ज बॉडी जो है क्यू नोट जो मूव कर रहा है उसकी वैल्यू माइनस टू इंटू टेन रेस टू पावर कितनी दे रखी है, देखो आपके पास में क्वेश्चन में बता रखा है माइनस नाइन कूलम। ये चार्ज यहाँ से कहाँ पे क्यू पॉइंट के ऊपर क्या हो गया है मूव कर रहा है, यानी क्यू से आर, आर से फिर क्यू पे पहुंच गया है। ठीक है, तो क्या पूछा है यहाँ पे अमाउंट ऑफ द वर्कडन बताइए, अमाउंट ऑफ वर्कडन कैसे निकालेंगे, ये सबसे पहले हम क्या निकालेंगे भाई, वर्कडन निकालने के लिए बी इजी पर क्या पड़ा है, तो वर्कडन क्या चाहिए बी इंटू में क्यू, कहां से कहां तक आ रहा है पी से क्यू, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, यानी पी से कहां गया क्यू, तो ये बी क्यू माइनस बी पी इंटू ए क्यू नोट, कौन मूव कर रहा है एक टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है क्यू नोट। ठीक है, जहां इसके ओरिजिन के ऊपर जो चार्ज रखा है वो कितना है क्यू इज इक्वल टू 8 मिली कूलम। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है इस ओरिजिन से ये क्या कर रहा है, ये एक पॉइंट चार्ज, यानी यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस चार्ज, कहां पे जब इस पॉइंट के ऊपर पहुंच गया। सिमिलर हम कहां पे निकालेंगे पी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो हमें क्या देखना, देखो आर के ऊपर यहाँ आर का कोई रोल नहीं है क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट पहुंचता है तो हमें क्या देखना होता है कि इनिशियल और फाइनल के ऊपर डिपेंड करता है ये किस पाथ के थ्रू फॉलो कर रहा है, यानी किस पाथ के थ्रू ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इसके ऊपर वर्क डन क्या रहता है इंडिपेंडेंट रहता है, वर्क जो है क्या है कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। तो हम क्या बताएंगे कि जो चार्ज पार्टिकल है एक यूनिट चार्ज बॉडी जो है वो पी से कहां गई है क्यू के ऊपर, किसके थ्रू, इस आर पॉइंट के थ्रू गई है, तो हमें क्या बताना है कि जो है क्या कर रहा है अपना वर्क डन जो हो रहा है वो क्या करता है पाथ के ऊपर जिन पाथ फॉलो किया गया है उसके ऊपर इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, ये किसके ऊपर इनिशियल और फाइनल कहां से पी से क्यू पे गया है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे वर्क डन निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला, यानी क्या चाहिए पी और क्यू के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले हम क्या निकालेंगे इस क्यू पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल, किसके ऊपर ओरिजिन के ऊपर जो चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, दूसरा आपके क्योंकि ये चार्ज भी तो कहां से इस पॉइंट के ऊपर आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में इसी तरह से आपके यहाँ से गया था ये, तो इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना था, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे वीपी निकालेंगे। वीपी क्या होता है बेटा, चार्ज आपके पास 8 मिली कूलम, 8 मिली का मतलब 10 रेस टू पावर माइनस 3 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितनी
यहाँ से यहाँ तक कितनी देर रखी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 3 सेंटीमीटर की जगह यानी कि 3/100, क्योंकि मीटर में लेना है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ये 0.03, ठीक है। सिमिलर हम क्या लेंगे, क्यू पॉइंट की पर पोटेंशियल निकालेंगे, तो क्यू की पर पोटेंशियल क्या आ गया, 8×10⁻³⁴ πε₀ डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी देर रखी है, 4 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। तो आपके पास में क्या आ गई है, 0.04 रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे कि आपके पास में इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आएगा। तो VQ - VP फाइनल क्यू पॉइंट पे पहुंचा है, तो फाइनल से इनिशियल सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 8×10⁻³⁴ πε₀ 0.04, यहाँ 4πε₀ की जगह 9×10⁻⁹, ये लिख सकते हैं। सिमिलर यहाँ पे इसमें लिख दो, −8×10⁻³⁹×9×10⁻⁹⁰ 0.03। यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या है, ऊपर सेम है, तो ये क्या आ गया, 72×10⁻⁶, और अंदर क्या बच गया, 0.04 −1.003, क्या है ये, पोटेंशियल डिफरेंस। जब ये P से कहाँ गया है, Q पॉइंट के पर। अब हमें निकालना क्या था, अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, चार्ज, ठीक है। तो कौन मूव कर रहा है, टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितनी देर की, −2, तो ये −2×10⁻⁹ इंटू ये पोटेंशियल डिफरेंस ही मल्टीप्लाई कर दो, 70×10⁻⁶ इंटू में 1/0.04 −1.003, तो ये आपके पास में −3 100/4 −100/3, 100 कॉमन आ गए यहाँ से, ठीक है। तो ये आपके पास में 144×10⁻³, ये बाहर निकलेगा तो 2 12, तो 4 माइनस कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस आ ही रहा था बेटा यहाँ से, तो ये 4 − 3 3 − 4 आ गई, तो माइनस वैल्यू आएगी, तो यहाँ से 144×10⁻⁹ −1 × −1/12, तो ये आपके पास में प्लस की वैल्यू यानी 1.2 जूल के आसपास वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। 1. ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 12 बाई यानी कि आपके पास नीचे जाएगा, तो 12/10, तो ये 1.2 ये हमारे पास वर्क डन आ गया। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ये भी 13th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। क्या क्वेश्चन है ये, कि आपके पास में क्यूब है, इस क्यूब की साइड क्या है, बी साइड है, यहाँ पे क्यूब के कॉर्नर्स के ऊपर, हर एक कॉर्नर्स के ऊपर एक चार्ज क्यूब प्लेस किया है, तो कितने कॉर्नर्स होते हैं क्यूब के अंदर, 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। क्या पूछा है कि यहाँ पे इन चार्जेस के कारण इस सेंटर के ऊपर नेट पोटेंशियल और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो हमने क्या बताया था कि यहाँ पे इस सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या हो जाएगा, आपके पास में 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन अलग अलग है, एक चार्ज के कारण डायरेक्शन ऐसी जाएगी, दूसरे के कारण ऐसी जाएगी, दूसरे के डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्यूब के सेंटर के ऊपर हमेशा क्या होता है, 0 होता है, जब टॉपिक हमने पढ़ा था उसके अंदर भी देखा था। अब क्या देखेंगे, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सेंटर से यानी इस चार्ज से और यहाँ तक की डिस्टेंस से, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए देखो आपके पास में ये लॉन्गेस्ट डायगोनल जो होता है एक क्यूब के अंदर ये आ गया, और डायगोनल की लेंथ जो आती है वो क्या आती है, साइड का क्यूब यानी स्क्वायर प्लस में स्क्वायर लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूब किसके इक्वल होती है बेटा, √3b, और हमें क्या चाहिए, यहां से यहां तक किस डिस्टेंस है हमें, तो ठीक है आपसे ये वाले डिस्टेंस पूछता है या ये डिस्टेंस पूछता है, तो यहां से हमें क्या चाहिए, ये डिस्टेंस हम क्या बताएंगे, आपके पास में क्या आ जाएगी कि यहां से यहां तक, मान लो इसको आपने ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ये ओ पॉइंट है, बी से ओ, ए से ओ, ई से ओ, डी से ओ, सी से ओ, यानी हर एक पॉइंट से डिस्टेंस जो आएगी आपके पास में,
ठीक है, वो डिस्टेंस जो है हमारे पास में किसके इक्वल आएगी, यानी डिस्टेंस ऑफ ईच चार्ज, ठीक है, फ्रॉम द वर्टिसेस, डिस्टेंस ऑफ ईच चार्ज फ्रॉम वर्टिसेस ऑफ ए क्यूब, क्यूब के जो कोने हैं, कोने से इसके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस होगी आपके पास में, ये डिस्टेंस होगी यहाँ से, ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस, ये सभी डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, डायगोनल का हाफ यानी रूट थ्री बाई टू बी के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रूट थ्री बाई टू बी, डायगोनल का हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ बराबर बी ओ बराबर सी ओ बराबर डी ओ बराबर ई ओ, ई पॉइंट ले रखा मैंने, ठीक है, ई ओ एफ ओ जी ओ और एच ओ, सारी किसके इक्वल होंगी, रूट थ्री बाई टू बी के इक्वल, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पोटेंशियल जो है, एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है, क्यू अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो यहाँ से कितने चार्जेज है, ए, क्योंकि एक कॉर्नर्स है और एक कॉर्नर्स के ऊपर रखा हुआ, तो ए इंटू में क्यू अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन नॉट आर की जगह क्या आ गई, आर ही डिस्टेंस दे रहा है, ठीक है। तो ये रूट थ्री बाई टू इंटू में हमारे पास ये वैल्यू आ गई, यानी कि फोर क्यू अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट रूट थ्री, ठीक है, फोर क्यू अपॉन में रूट थ्री पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा कहाँ पे, क्यूब के सेंटर के ऊपर। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है वो क्या हो जाता है, जीरो, क्यों हो जाता है, क्योंकि देखो इस चार्ज के ऊपर यहाँ पे पोटेंशियल चार्ज रखा है क्यों, ठीक है, यहाँ पे पूछा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड जाएगी, इसके कारण किधर जाएगी, इस साइड, क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह से इसके कारण इधर जाएगी, इसके कारण कहाँ जाएगी, इस साइड आ जाएगी। डिस्टेंस क्या है, सेम है, चार्ज क्या है, सेम है, तो पोटेंशियल डायरेक्शन इक्वल है ना, अपोजिट होने की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्यूब के सेंटर के ऊपर हमेशा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। बट पोटेंशियल की वैल्यू जो आएगी वो पोटेंशियल, यानी मैंने क्या बताया था, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसका मतलब ये नहीं कि पोटेंशियल भी आपका क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी कि पोटेंशियल रिमेन्स क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे।